लोग फर्स्ट क्लास से लेकर सिक्स क्लास तक फिफ्थ क्लास तक पढ़ चुके हैं। प्रार्थना पद जनरली पहली कक्षा से लेकर तो बारहवीं कक्षा तक जब तक हम निरंतर पढ़ते रहते हैं, जब भी हमें किसी को प्रार्थना पत्र लिखना होता है तो हम उसका उपयोग करते हैं। वैसे पत्र लिखना एक कला है ना। पहले के जमाने में क्या होता था कि आज तो मोबाइल का युग है, हमें जो भी बातें करना होती हम एक दो मिनट में मोबाइल से कर लेते हैं। परंतु आज से पहले प्राचीन समय में क्या होता था कि जब मोबाइल फोन नहीं थे या वो नहीं थे तो हम पत्रों के माध्यम से अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों से या फिर जो भी अपने दोस्त होते थे उनसे हम पत्र के माध्यम से बातचीत करते थे। तो वही सिलसिला है कि आज भी हमें इन पत्रों की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे मूल दस्तावेज होते हैं, जब भी हमें इनकी आवश्यकता पड़ती है तो इन्हें हम सेव कर रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। तो इन पत्रों की आवश्यकता हमें विद्यालयों में, ऑफिस में, कार्यालयों में, किसी भी ऐसे कार्य में करनी पड़ती है जहाँ ऑप्शन लेकर होता है कि उसके द्वारा इनके द्वारा ही वहाँ पर कार्य किया जाता है। तो पत्र किसी चीज से जो स्कूलों में बच्चों के माध्यम से जब छुट्टी लेनी होती है या कहीं जाना होता है तो हमें अपने टीचर्स को या हमारे कक्षा अध्यापक को या हमारे प्राचार्य को सूचना देनी पड़ती है कि हम दो दिन, चार दिन, पांच दिन, आठ दिन हम स्कूल नहीं आ पाएंगे। उसका क्या कारण है वो हमें उन्हें बताना है, किस कारण से हम स्कूल नहीं आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल में रेगुलर पढ़ाई होती है रोजाना। तो अगर हम अगर पांच दिन की छुट्टी मना लेते हैं या तीन दिन की छुट्टी मना लेते हैं तो उससे हमारा तीन दिन का जो पढ़ाई का लॉस होता है। तो उसके लिए हमें सूचना देनी पड़ती है कि सर आज हमारे ये कारण रहा, इस कारण से मैं विद्यालय नहीं आ पाऊंगा। तो उसके लिए हमें लिखित में सूचना देनी पड़ती है। तो लिखित में जब सूचना देनी पड़ती है तो हमारे पास उसको कहा गया है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना है कि हम सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि अगर हमें इतनी छुट्टियां मिले तो हमारे कोर्स का रोज जो हुआ है उसके लिए हम जब भी स्कूल आएंगे तो वो हमें उपलब्ध हो जाए। इसलिए हमें कारण बताना जरूरी है कि आपने छुट्टियां क्यों मिली। और अगर हम कारण नहीं बताते हैं तो फिर हमें हमारे पढ़ाई का लॉस हो जाता है और फिर हमें उस टाइम जो भी पढ़ाया गया है वो आपको अवेलेबल नहीं होगा। या आपको किसी घर में कहीं जाना है तो उसके लिए भी आपको ये सब जरूरी है कि आप स्कूल में इन्फॉर्मेशन सूचना देकर जाएं क्या आप स्कूल नहीं आए, किस कारण से आप इतनी छुट्टियां मिला रहे। तो ये सब चीजें आपने पढ़ी होगी। फिर भी मैं आपको जनरली तौर पर बता रही हूँ कि हमें पत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, उसके बाद में पत्र छुट्टी के लिए या अवकाश के लिए जो आवेदन दिया जाता है वो सभी क्लास में एक जैसा ही होता है। मैं बोले मुझे छुट्टी चाहिए तो मैं भी वही लिखूंगी, आपको छुट्टी चाहिए, आप बीमार हो तो आपको भी वही लिखना है, मैं बीमार हूँ तो मुझे भी वही लिखना है, मुझे शादी में जाना है तो मैं भी वही लिखूंगी, आपको शादी में जाना है तो आप भी वही लिखूंगी। जनरली पत्र हमेशा एक जैसे होते हैं और सभी क्लास में कम्पल्सरी होते हैं। तो ये पत्र मैंने 6, 7, 8 के लिए लिखा है, ये तीनों ही क्लास के स्टूडेंट लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखे। अवकाश, अवकाश का अर्थ होता है छुट्टी, है ना। प्रार्थना, उनसे निवेदन करना, किसी भी चीज को अगर आपको मांगना है तो आपको उसके लिए निवेदन करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी। इसके लिए अपने शब्दों को, भावों को बहुत ही विनम्र रखना पड़ेगा। सेवा, ठीक है, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, जो भी रिस्पेक्टेड व्यक्ति होते हैं, बड़े व्यक्ति होते हैं, उनके आगे श्रीमान लगाया जाता है। श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, अब आपका स्कूल का नाम प्रधानाचार्य महोदय कहाँ पर है, विद्यालय में, तो शेर पब्लिक स्कूल, स्कूल कहाँ है, इंगोरिया चौपाटी। इंगोरिया चौपाटी कहाँ आता है, बड़नेगर रोड, बड़नेगर रोड कहाँ आता है, उज्जैन जिले। ठीक है, तो ये आपका हो गया है पता कि आपने जिस व्यक्ति को प्रार्थना पत्र लिखा है वो कौन है, कहाँ पर है, वो किस जगह पर है। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, शेर पब्लिक स्कूल, इंगोरिया चौपाटी, बड़नेगर रोड, जिला उज्जैन। महोदय,
सविनय निवेदन दीदी। ठीक है, क्या निवेदन, क्या कह रहे हैं आप? मुझे कल रात को अकस्मात यानी अचानक से ज्वर मतलब उठा, ठीक है, हो गया था। सविनय निवेदन दीदी, क्या मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे आपसे कुछ निवेदन करना है। मुझे कल रात को अकस्मात ज्वर हो गया है, बुखार आ गया। चिकित्सक यानी कि जब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर साहब ने मुझे पूर्ण विश्राम की सलाह दी। जब उनको हमने दिखाया तो उन्होंने क्या जवाब दिया है? उन्होंने कहा कि आपको आराम कर, इस कारण वे दो दिन स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पर एक लड़की है जिसको क्या हो गया है, बुखार आ गया है और वो सर पे प्रार्थना कर रही थी कि उसको डॉक्टर साहब ने दो दिन की छुट्टी का बोला है कि आपको दो दिन तक घर पर आराम करना है, आप स्कूल नहीं जाएंगे। सभी ने निवेदन दी कि मुझे कल रात को अकस्मात ज्वर हो गया था, चिकित्सक ने डॉक्टर साहब ने मुझे पूर्ण विश्राम करने की सलाह दी है, इस कारण मैं दो दिन स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकती। अतः कृपा करके मुझे दो दिन का अवकाश छुट्टी देकर प्रदान करें, धन्यवाद। जब आपको किसी ने छुट्टी दी है और आपने उनसे छुट्टी मांगी, अगर उन्होंने छुट्टी दी है तो आपको क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। फिर आना ये छुट्टी किसने मांगी? आपकी आज्ञाकारी छात्र या छात्रा। ठीक है, छात्र मीन्स लड़का, छात्रा मीन्स लड़की, दोनों में से कोई भी। तो यहाँ पर आपको जब आप छुट्टी लेंगे कोई भी एक पर्सन, तो वो सिर्फ दोनों में से एक चीज देगा। ये मैंने दो कॉमन इसलिए की क्योंकि पूरी क्लास को पढ़ा रही, यहाँ पूरी क्लास में दोनों तरह के स्टूडेंट बैठे, गर्ल्स भी और बॉयज भी, तो छात्र और छात्र। जब आप स्वयं कोई एक लिखेंगे, छात्र गर्ल्स लिखेगी, लड़की लिखेगी, तो वो यहाँ पर क्या लिखेगी? आपकी आज्ञाकारी छात्र। और बॉयज लिखेंगे, लड़के लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? आपके आपका आज्ञाकारी या छात्र। दोनों में से जो भी है वो अपना नाम लिखेंगे। फिर कौन है? अपना नाम लिखेंगे अंजलि शर्मा। क्लास लिखेंगे कक्षा, जो भी आप क्लास में सिक्स में है, जो सिक्स में, सेवन में, जो सेवन में, एट में, तो एट में। फिर दिनांक, वो दिनांक करके लिखना ज्यादा नहीं है, इसलिए मैंने वहां लिख दिया। आप इसी के नीचे वन बाय वन एक जैसी सीरीज में, ठीक है। यहाँ तक आपको प्रार्थना पत्र समझ में आया, ऐसे अपनी कॉपी में लिख के हो गया, और अगली बार जब भी किसी से छुट्टी ले तो आप इसी तरह से लिखे। फिर चाहे यहाँ प्रार्थना चाहे लीजिएगा, कक्षा अध्यापक से लेना चाहते हैं।